प्रथम तहलका न्यूज। आने वाली कल यानी के 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है, जिसके तहत दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। करनाल में किसानों ने कुल 11 जगहों पर जाम की चेतावनी दी है। हालांकि किसानों ने इस दौरान ये भी साफ कर दिया है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, शादी ब्याह की गाड़ी, आर्मी की गाड़ी व किसी परीक्षार्थी की गाड़ी को नहीं रोका जाएगा, उन्हें रास्ता दे दिया जाएगा। जिले करनाल में 11 पॉइंट पर रोड जाम रहेंगे, जिसमें मेन पॉइंट जो है यही टोल पे रहेगा और 3 असंध में है। असंध का एक तो अपना अनाज मंडी के आगे है असंध का, एक क्यों टोल के आगे है और एक बड़े में है, और 3 ही इंद्री तहसील में है। इंद्री का एक पॉइंट तो रहेगा ब्याना अनाज मंडी के अंदर जो गढ़ी बिरबल से कुंजपुरा रोड है, और एक पॉइंट रहेगा उनका इंद्री से जो करनाल रोड है पुलिस चौकी है रंबा वहाँ पर, और एक जो इंद्री से कुरुक्षेत्र रोड है एक वहाँ पर रहेगा बादशाह चौक पर, ये रहेंगे। और एक निशिंग में रोड़ी साहब गुरुद्वारा के पास निशिंग में रहेगा। कितने घंटे का होगा और शांति प्रिय होगा और किन लोगों के लिए छूट दी गई है? वो सिर्फ 3 घंटे का होगा, 12 से 3, और शांति प्रिय ही रहेगा। और वहाँ के हम ना सभी जहाँ जहाँ भी जाम रहेगा वहाँ के प्रधान नियुक्त कर दिए, और आज वो अपनी टीमें बना लेंगे, 5-5 आदमियों की एक कमेटी बना लेंगे, और वहाँ पर चाहे एम्बुलेंस है, चाहे सैनिकों का वाहन है, या कोई फायर ब्रिगेड है, या कोई बीमार आदमी है, या पेपर देने वाला बच्चा है, उनके लिए सभी की, या दूल्हे की गाड़ी है उनको सभी को रास्ता मिलेगा। बाकी सरकार की गाड़ी होगी या बसीज होगी या कोई भी, और सब नेशनल और स्टेट हाईवे जाम करने हैं, चक्का जाम करना है। हम 11 जगह पे हम चक्का जाम कर रहे हैं। एक तो ये टोल प्लाजा बस्ताड़ा में, असंध रोड असंध में, प्योंत पे, और निसंग काछवा रोड काछवा, और ये इंद्री रोड पे 3 जगह पे है, नगला मेगा जो ये मेरठ रोड है। ये 11 पॉइंट है जहाँ हमने कल एक पंचायत करके आपस में बैठ के मीटिंग करके तो वहाँ डिसाइड किया था, ये 11 पॉइंटों पे हम चक्का जाम करेंगे 12 से 3। इस शांति प्रिय रहेगा, इसमें एम्बुलेंस, बीमार आदमी, कोई पेपर देने जा रहा है बच्चा, वो जो फायर ब्रिगेड है, वो कोई मजबूर है, वो उनको एग्जेम्प्टेड है। बाकी जो प्रशासन है या नेता लोग हैं उनको एग्जेम्प्टेड नहीं है, बाकी सब बंद रहेगा। जाम को सफल बनाने के लिए किस तरह का कार्य कर रहे हैं किसान नेता? हमने इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए ये एक रणनीति थी, एक ये भी करने की कोशिश की है, और इसके ऊपर भी शायद अब सरकार जागे, जनता जागे। हाईवे जाम की कॉल के बाद से प्रशासन सजग है। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर तैयारियों का दावा प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि अगर कोई उत्पात मचाएगा या कानून व्यवस्था को खराब करेगा तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे करनाल में 11 जगह इन्होंने चक्का जाम के प्रोग्राम बनाया है, तो उसको देखते हुए हमने मैक्सिमम फोर्स लगाई है, और मैक्सिमम ये है कि भाई किसी पब्लिक को, आम जन को कोई असुविधा ना हो, उसके अंदर हमने कोई रूट डाइवर्ट भी उसका प्लान बनाया है, और आम जन से पब्लिक से ये निवेदन भी करते हैं कि भाई 12 से 3 का इनका जाम का वो है, तो उसमें कम से कम ट्रैवल करें। सर, सुरक्षा के मद्देनजर कितनी फोर्स लगाई गई, कहां कहां नाके लगाए जाएंगे? टोटल 11 जगह है जी, 11 से अलग अलग से इनकी ड्यूटी, हमारी जो मैक्सिमम फोर्स लगाई है इसके अंदर, और इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी और हमारे जो डीएसपी हैं और सभी मैक्सिमम ड्यूटी लगाई गई। सर, इमरजेंसी को कैसे देखेंगे? जीटी रोड भी जाम किया जाएगा? अभी ये हमारे पास मैसेज है कि भाई ये बस्ताड़ा टोल पे वो करेंगे, तो वहाँ पर हमने मैक्सिमम फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एक अलग से डीएसपी वहाँ पर लगाए हैं। लगातार किसानों से बातचीत वगैरह भी चल रही है। इस संबंध में ये भी है कि भी जो आम जो पब्लिक की उनको ऐसी भी दाना हो, और
उसको। हालांकि किसानों ने तो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने की बात कही है, लेकिन बीते 26 जनवरी की घटना के बाद से प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। देखना तो ये होगा कि किसानों का ये 3 घंटे का चक्का जाम कितना सफल हो पाता है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।